आशिकी फेम राहुल रॉय को अब पहचाना मुश्किल, वायरल हुई तस्वीरें। आशिकी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय नए फिल्म प्रोजेक्ट के साथ वापसी कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना नया लुक शेयर किया है। आशिकी फेम राहुल को नए लुक में पहचाना बेहद मुश्किल है। वो एक मुस्लिम शख्स के किरदार में नजर आ रहे हैं। राहुल ने अपने किरदार के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो तनवीर अहमद की फिल्म नाइट एंड फॉग की शूटिंग कर रहे हैं। राहुल ने 1990 में बनी महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और पॉपुलर हुए थे। अब खबर है कि वो नितिन गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म वेलकम टू रशिया में काम करते नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण नेओले फिल्म्स के बैनर तले किया जाएगा। फिल्म में वो एक भ्रष्ट पुलिस की भूमिका निभाएंगे। फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी संक्षिप्त और संतुलित है। फिल्म में लव एंगल को भी काफी अच्छे ढंग से फिल्माया गया है और इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका किरदार हॉफ इंडियन हॉफ रशियन है। फिल्म में उनका किरदार काफी अलग और रोचक है। वो एक पुलिस अफसर की भूमिका में बड़े बड़े फ्रॉड करते नजर आएंगे। राहुल फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वहां 8 साल बिताने के बाद वो 2015 में वापस आ गए थे। बता दें कि राहुल ने साल 2007 में बिग बॉस सीजन 1 खिताब भी जीता था।